डीक से खबर है, 3 दिन से लगातार बारिश से गिरा मकान। मलबे में महिला और बच्ची के दबने से मौत। मकान के गिरने से गांव में अफरा तफरी। कामा डीएसपी ने मौके का किया मुआयना। दुरहरा थाना इलाके के गावड़ी गांव की घटना सामने आई है। तो डीक से खबर है, 3 दिन से लगातार क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश के चलते मकान गिरा। मलबे में दबने से महिला और बच्ची की मौत हो गई। मकान के गिरने से गांव में अफरा तफरी का माहौल है। कामा डीएसपी ने मौके का मुआयना किया है। दुरहरा थाना इलाके के गावड़ी गांव की घटना सामने आई है। मेरे साथ अकरम, क्या है पूरी खबर? ये डीग जिले के कामा विधानसभा का यह मामला है। जो ये काम पड़ता है काम ले, जहाँ देर रात्रि को एक मकान था, 2 मंजिला मकान था, जो भरभरा कर गिर जाता है और जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग थे वो दब जाते हैं, जिसमें एक महिला सहित 8 बच्चे की जो माँ की बच्ची होती है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आपको बता दें कि डीग जिले के अंदर लगातार 3 दिन से बरसात का दौर चालू है, जिसके चलते यह मकान जैसे ग्रामीणों ने बताया है गिरा है। जहाँ इसकी सूचना पाकर जुरेरा पुलिस और डीएसपी धर्मराज चौधरी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों ने बताया है कि अभी फिलहाल जो सब है वहीं पर है और जो प्रशासन है, जो उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचने वाले हैं, जहां उनको नियम अनुसार जो राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कोष के द्वारा जो सहायता होती है उसके देने की बात कही है। जी कामा डीएसपी ने मौके का मुआयना किया। बहुत शुक्रिया आपका अकरम तमाम जानकारी के लिए। मकान के गिरने से गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कामा डीएसपी ने मौके का मुआयना किया है और जुरहरा थाना इलाके के गांवड़ी गांव की घटना है, जहां पर लगातार 3 दिनों से लगातार बारिश होने के चलते मकान गिर गया।